तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हनुमैक्स ग्रीन ड्रॉप की। ये हनुमैक्स का ग्रीन ड्रॉप आया है, ये अमेजन से आया है मेरे पास, ठीक है। और ये है 8x12 का ग्रीन क्लॉथ, आप देख सकते हैं इसकी साइज। ये देखिए, अगर मैं इसको फुल लेंथ पे खोलूँ तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आते ही ये ज़रूर चेक कर लें कहीं इसमें छेद वेद नहीं है, क्योंकि कई बार डिफेक्टिव मटेरियल भी आ जाते हैं, तो आप ज़रूर चेक कर लें। अब इसको देखते हैं हम कि ये ग्रीन पर्दा कैसे लगता है इसके ऊपर। मान लीजिए मैं इसको लगाता हूँ तो दिखता कैसे है, ये देखते हैं हम। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है ऐसे ही, अब एक चीज़ नज़र आ रही है इसमें जो हो सकता है आपको नज़र नहीं आ रही हो, कि ये थोड़ा बारीक कपड़ा है तो रोशनी क्या है इसके आर पार जा रही है। रोशनी इसके आर पार जाएगी तो उससे आपके ग्रीन स्क्रीन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो उसका आइडिया ये है कि आप इसे सिंगल ना लगा के डबल लगाएं। इसकी लेंथ बहुत अच्छी है कपड़े की, तो आप इसको डबल कर लें। मेरा सजेशन आपको यही है कि आप इसे डबल कर लें। मैं आपको देखिए डबल कर देता हूँ और फिर दिखाता हूँ मैं इसको कितनी लेंथ हो जाती है इसकी। डबल करने के बावजूद इसकी लेंथ क्या है, देखिए ये देखिए, ये हो गया डबल। और डबल होने के बाद इसको सिंपली ऐसे करके हमको डाल देना है। आप इसको लगा भी सकते हैं, ये थोड़ा काफ़ी फिसलने वाला है कपड़ा, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ता है। ये देखिए, मैंने इसको डबल कर दिया। डबल क्या है, ये 4 हो गया एक्चुअली में, डबल से भी डबल तो मैंने कर दिया, और ये डबल और डबल 4 हो गया। और तो भी देखिए इसकी साइज और चौड़ाई और लंबाई देख लीजिए आप, ये देखिए कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है। और इस वक्त ये बिल्कुल एकदम फिटिंग दिख रहा है, अब इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये एकदम साफ दिख रहा है। हाँ, एक काम ज़रूर करना है, इसके साथ पिन नहीं आई है चिटकनी, जिसे हम कहते हैं, हम जिसे यूज करते हैं चिटकनियाँ, वो चिटकनी नहीं है। तो आप कोई भी घर पे जो आपके पास चिटकनी होती है उसका यूज भी कर सकते हैं, या कोई मार्केट से आप दूसरी चिटकनियाँ ला सकते हैं और उसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं ऐसे। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि इसको खींचना है आपको, ये सलवट नहीं रहनी चाहिए। अगर सलवट रहेगी तो ये वर्क नहीं करेगा, सलवट बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। आपको कैसे फिक्स करना है ये आपको तय करना है, लेकिन इसके ऊपर सलवट नहीं रहनी चाहिए। अगर सलवट रहेगी तो वो ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये है हनुमैक्स का 8x12 का, 8x12 फुट का, क्या है ये है ग्रीन ड्रॉप बैकग्राउंड। तो आप इसका प्रयोग करके अपनी ग्रीन स्क्रीन को काम में ले सकते हैं और पीछे का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।